Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today, in subject maths, we are continue our exercise for B, 10 less than. Earlier, I taught 10 more than, but in this video, we are learning about 10 less than. बच्चों, यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया होगा उसमें माइनस 10 करना होगा और जो आंसर आए वो हमें लिखना है. आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक से लिखनी है टेक्स्ट बुक में, लेकिन किस तरह से आप लेस देन करोगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे. 511, अब 511 में से 10 लेस देन कर दे, ठीक है? तो हमें इस तरह से करना है, 511 माइनस 10, तो आंसर आएगा 501. नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में से 10 लेस देन कर दे, ठीक है, माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 989. नेक्स्ट 128 माइनस 10 करे, आंसर आएगा 118. नेक्स्ट 340 माइनस 10 इज इक्वल 330, 285. इफ वी माइनस 10 इंटू 285, ठीक है, तो आंसर आएगा 275. 817, इफ वी कट 10 इंटू 817, आंसर इज 807. समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हम माइनस करते हैं? अगर जो भी नंबर दिया गया है 10 मोर देन हो तो जो नंबर है उसमें प्लस 10 करेंगे, और 10 लेस देन हो तो जो नंबर दिया गया है उसमें माइनस 10 करेंगे. इस तरह से हम 20 लेस देन, 30 लेस देन, 35 लेस देन, जो भी नंबर हो, ठीक है, और जितने भी माइनस लेस देन हैं तो उतने नंबर हमें कट करने को रहते हैं, ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 100 मोर देन एंड 100 लेस देन, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6969 के ऊपर है, और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है. बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन बच्चों थोड़ा मेथड वाइज जाओगे तो आप जल्दी सीख पाओगे, और ये जो वर्क है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है. थैंक यू.